अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपनी आज की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 6। इसमें टेबल एंड क्यूरी से रिलेटेड ये चैप्टर है और इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा मैंने आपको प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन जो है वो MS Excel का दिया था और बताया था कि उसके अंदर हम टेबल्स वगैरह जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। आइए हम अपने चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। टेबल एंड क्यूरी आपका चैप्टर है एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टेबल, डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल क्या है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं और आपको टेबल के बारे में खासी मालूमात है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिटेल जो है वो टेबल के मुतलिक दी गई है। टेबल आपको पता है रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल होता है और टेबल के अंदर हम जो है वो डेटा स्टोर करते हैं और ये डेटाबेस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो होता है। टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस, ये डेटाबेस का सबसे अहम ऑब्जेक्ट है। इट इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन अ रिलेशनल डेटाबेस, कहते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, यानी इसकी बेस पर हम रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होती है जिसके अंदर डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑल डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ स्टोर इन टेबल। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर तमाम का तमाम डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा। टेबल इज़ नॉन एज अ रिलेशन, टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है, ये भी हमने बारहा पढ़ा है। एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ टेबल इज़ एज फॉलो, टेबल की एग्जांपल जो है हमारे पास दी गई है। जैसे अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास तीन कॉलम हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास। अब अगर आप गौर करें तो टेबल हमारे पास रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल है। रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। जब आप तमाम कॉलम्स को इकट्ठा करते हैं, जैसे यहाँ पर तीन कॉलम हैं, तो अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक रिकॉर्ड जो है वो बनेगा। जैसे यहाँ पर ये एक रिकॉर्ड जो है वो बन गया। अब हमारे पास ये टेबल है, टेबल के अंदर जो रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ये मैं आपकी मज़ीद दोहराई के लिए बता रही हूँ चीज़ें, कि टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, और सेल के अंदर हम एक वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं तो इसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ टेबल दिए गए हैं, टेबल के क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी उनको मज़ीद एलेबोरेट किया गया है। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग पार्ट, अभी अभी मैंने आपको बताया, फील्ड और एट्रीब्यूट, यानी कॉलम जिसको हम फील्ड और एट्रीब्यूट भी कहते हैं, बिकॉज जब आप एंटिटी डिफाइन करते हैं, एंटिटी कोई ढूंढते हैं और उसके एट्रीब्यूट जितने होते हैं वो कॉलम के टेबल के क्या बन जाते हैं, कॉलम बन जाते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड और रो, आप उसको रो भी कह सकते हैं और रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। जब हम तमाम कॉलम्स को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, रो या रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट होता है। अब हम मज़ीद देखते हैं फील्ड और एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। अ फील्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ रिलेटेड करेक्टर, यानी हम रिलेटेड करेक्टर को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। अ फील्ड इज़ नॉन एज अ एट्रीब्यूट, फील्ड को एट्रीब्यूट कहा जाता है इन अ रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। एंड एट्रीब्यूट इज़ अ नेम्ड कॉलम ऑफ रिलेशन, एट्रीब्यूट क्या है, टेबल के अंदर कॉलम का नेम है। ईच फील्ड इन अ टेबल हैज़ अ यूनिक नेम, हर जो कॉलम क्रिएट किया जाता है या हर जो फील्ड क्रिएट की जाती है उसका अपना यूनिक नेम होता है। एंड प्री डिफाइंड डेटा टाइप, और उसके लिए हम कोई डेटा टाइप भी सिलेक्ट करते हैं। ईच फील्ड मे कंटेन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हर जो फील्ड है वो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रखती है। फॉलोइंग आर थ्री एग्जांपल्स, यहाँ पर तीन एग्जांपल दिखाई गई हैं, यानी फील्ड की दिखाई गई हैं, जैसे 20, मोहम्मद उस्मान, BSC, यानी
किसी के अंदर आप न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसी के अंदर करेक्टर डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो ये उसकी टेक्स्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल है। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं रोज और रिकॉर्ड को, या फिर रिकॉर्ड और रो। और रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, यही मैंने आपको बताया था। जब आप रिलेटेड रिकॉर्ड्स को, जब आप जो है वो रिकॉर्ड जो है वो आप रिलेटेड फील्ड को जब आप इकट्ठा करते हो, तो हमारे पास रो या रिकॉर्ड बनता है। ये देखिए, जब हमने इन तीनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या बन गया, एक रो बन गई या एक रिकॉर्ड बन गया। इसी तरह से ये दो लोगों का के लिए रिकॉर्ड जो है वो शो करवाया गया है। एक का जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है और दूसरे का क्या है, 20 है। 10 रजिस्ट्रेशन पे स्टूडेंट का नाम कुछ और है और 20 रजिस्ट्रेशन, डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रही है, यूनिक वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है उनके अकॉर्डिंगली। रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड फील्ड, रिकॉर्ड इज़ नोन एज अ टुपल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, टुपल भी कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ रो, रिकॉर्ड को रो भी कहा जाता है। इन अबव फिगर द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज स्टोर इन अ सेपरेट रो, हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेट रो के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल स्टोर अ डेटा अबाउट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के मुतालिक। हर रिकॉर्ड जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के मुतालिक डेटा स्टोर करता है, यानी मुख्तलिफ जैसे एक स्टूडेंट का डेटा दूसरे स्टूडेंट का डेटा। फॉलोइंग आर टू एग्जाम्पल ऑफ अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है दो एग्जाम्पल जो है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज़ अ टेबल, डिस्कस डिफरेंट पार्ट। टेबल को हमने देख लिया, देन उसके पार्ट जैसे फील्ड और एट्रीब्यूट को देखा, रोज और रिकॉर्ड को देखा। ये हमारा जो है टेबल का क्वेश्चन जो है इस पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल और रिलेशन, आपने टेबल या रिलेशन की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बतानी है। आल्सो डिफाइन द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, और टेबल की करेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता है, इसलिए हम इसको जो है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ये जल्दी से इसको कम्प्लीट करते हैं। फिर भी मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो साथ साथ बताती जाती हूँ। करेक्टरिस्टिक्स जो ऑफ टेबल्स, टेबल की क्या खसूसियात होती हैं। द टेबल्स ऑफ अ रिलेशन डेटाबेस हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमारे पास ये जो लिस्ट में दी गई हैं करेक्टरिस्टिक्स वो उसके अंदर पाई जाती हैं। ईच फील्ड ऑफ अ टेबल कंटेन ओनली वन वैल्यू, फील्ड यानी हर कॉलम के अंदर एक वैल्यू जो है वो होती है। ईच कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम, हर कॉलम का अपना डिस्टिंक्ट नेम होता है, यूनिक नेम होता है। इट इज़ द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट का नाम होता है जिसके मतलब एक एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट है, उन एट्रीब्यूट के क्रॉस हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। और फील्ड इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ अ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट, आप टेबल के अंदर कॉलम को कहीं पे भी लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे एंड पे भी लिख दिया और उसको प्राइमरी की सेट किया है तो वो प्राइमरी की ही रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द ऑर्डर ऑफ रोज इज़ इनसिग्निफिकेंट, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि रोज जो है वो किस नंबर पे है, कहाँ पे स्टोर है, तो ये ऑर्डर भी उसका इनसिग्निफिकेंट होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ईच रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड, हर टेबल के अंदर हर रो जो है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ईच रो इज़ डिस्टिंक्ट, हर रो जो है वो मुख्तलिफ होती है। देयर आर नो डुप्लीकेट रोज, इसके अंदर डुप्लीकेट रोज जो है वो नहीं होती, ये उस टेबल की खसूसियात है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ रिलेशन, यानी टेबल की डिग्री क्या है। द नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ रिलेशन, टेबल के अंदर जितने एट्रीब्यूट होते हैं यानी जितने कॉलम होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज़ यूजली नॉट चेंज वंस द टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, एक दफ़ा आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो उसकी डिग्री चेंज नहीं होती। अ रिलेशन विल हैव अ फील्ड विद 5 फील्ड हैज़ अ डिग्री ऑफ अ 5, अगर एक टेबल है और इसके अंदर 5 कॉलम है, ये 5 फील्ड्स हैं, तो उसकी क्या होगी, डिग्री 5 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, कार्डिनैलिटी से क्या मुराद है।
यानी रोज की तादाद, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टुपल, आपको पता है रो को टुपल भी कहा जाता है, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टुपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन चेंजेस एज द न्यू रिकॉर्ड्स आर एडिट और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड। जब आप एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं या पुराने रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो डिग्री चेंज होती है। अ रिलेशन विद द 50 रिकॉर्ड हैज़ अ कार्डिनैलिटी ऑफ अ 50। अगर एक टेबल है और उसके अंदर 50 रो हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 50 होगी। नेक्स्ट हम कल करेंगे इसके लिए, इसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।